नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मैथिली बुटीक की एक और नई वीडियो में। आज हमने स्टार्ट की है ऐसी सीरीज जहाँ पर आप सेविंग से रिलेटेड आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें जो कि आपके सामने काफी बार आती हैं, जैसे कि आपको डिफरेंट ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कैसे लेना है, इसके साथ ही आपको उसका नेक कैसे रखना है, ये प्रॉब्लम हम आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकती हैं ये शोल्डर की कुर्ती के लिए चार्ट है और ये किसी भी सिंपल कुर्ती के लिए यूज होगा। इसके साथ ही आपको जो बोट नेक होता है फिर कोलर नेक होता है उसमें इसको कैसे निकालना है वो भी आप इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा प्लीज। इसको लास्ट तक बहुत ठीक। जो नॉर्मली हमारे शोल्डर का साइज होता है वो होता है हमारा 13 से स्टार्ट हो जाता है, और जो मोस्टली हमारे जो लेडीज में होता है साइज वो 14 इंच तक होता है मोस्टली, और कोई ऐसा सुपर से 15 इंच तक हो, यानी कि 13, 14, 15 तक ही हमारा जो शोल्डर चलता रहता है। और हमारा जो ये वाला होता है इस बोन से लेकर इस बोन तक हमें पीछे वाली साइड से इसको मेजर करना होता है, यानी कि जो हमने ये वाला शोल्डर लिया है ये बॉडी माप में जो शोल्डर हमारा है उसको हमने लिया है। जो 14 के अकॉर्डिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली में 14 साइज यूज होता है, बाकी जो 13 साइज है 15 साइज है उसका भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉब्लम वो होती है कि पीछे गले की लंबाई कितना रखें, तो देखिए 14 साइज के अकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं वृंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मैथिली बुटीक की एक और नई वीडियो में। आज हमने स्टार्ट की है ऐसी सीरीज जहाँ पर आप सेविंग से रिलेटेड आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें जो कि आपके सामने काफी बार आती हैं, जैसे कि आपको डिफरेंट ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कैसे लेना है, इसके साथ ही आपको उसका नेक कैसे रखना है, ये प्रॉब्लम हम आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकती हैं ये शोल्डर की कुर्ती के लिए चार्ट है और ये किसी भी सिंपल कुर्ती के लिए यूज होगा। इसके साथ ही आपको जो बोट नेक होता है फिर कोलर नेक होता है उसमें इसको कैसे निकालना है वो भी आप इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा प्लीज। इसको लास्ट तक बहुत ठीक। जो नॉर्मली हमारे शोल्डर का साइज होता है वो होता है हमारा 13 से स्टार्ट हो जाता है, और जो मोस्टली हमारे जो लेडीज में होता है साइज वो 14 इंच तक होता है मोस्टली, वो कोई ऐसा सुपर से 15 इंच तक हो, यानी कि 13, 14, 15 तक ही हमारा जो शोल्डर चलता रहता है। और हमारा जो ये वाला होता है इस बोन से लेकर इस बोन तक हमें पीछे वाली साइड से इसको मेजर करना होता है, यानी कि जो हमने ये वाला शोल्डर लिया है ये बॉडी माप में जो शोल्डर हमारा है उसको हमने लिया है। जो 14 के अकॉर्डिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली में 14 साइज यूज होता है, बाकी जो 13 साइज है 15 साइज है उसका भी हम आपको बता देंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉब्लम वो होती है कि पीछे गले की लंबाई कितना रखें, तो देखिए 14 साइज के अकॉर्डिंग हमने 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, इसके साथ जो शोल्डर की कटिंग है इनकी मार्जिन के साथ हमें कितनी रखनी है, तो यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे इस तरह से हम करते हैं कुर्ती की कटिंग, ये हमारा आर्म होल होता है, ये हमारा नीचे पोर्शन आता है पूरा, यानी कि हाफ में हमने इसको रखा है, देखिए इस तरह से हमारा हाफ पोर्शन है। तो ये वाला हिस्सा हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हम कटिंग में लेते हैं, दिस इज हमारा शोल्डर होगा और यहाँ हमारा जो है वो आर्म होल होगा, ठीक है जी। अब देखिए तो ये हमारा जो बैक वाला जो नेक होता है मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये कितनी आपको लंबाई रखनी है, तो देखिए इस चीज को आप समझिएगा जरूर, देखिए कुछ इस तरह से ये चीज हमारी वैरी करती है, यानी कि आपका जो नेक है अगर हमने छोटा लिया है 3 इंच तक लिया है 3 इंच तक, तो हमारा जो शोल्डर हो जाएगा वो जाएगा 6.75 तक, यानी कि नेक अगर आपका छोटा है पीछे वाला गहराई तो जो शोल्डर आपका आएगा वो आपको यहाँ पर ज्यादा लेना होगा, ये वाली चीज आपको ज्यादा रखनी होगी, क्यों इसका रीजन एक है, जैसे ही नेक हमारा छोटा होगा तो यहाँ पर साइड में खिंचाव देगा, शोल्डर के साथ खिंचाव देगा, तो इसलिए इसको बड़ा रखेंगे तो खिंचाव जो है कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा। वही बात करें अगर बड़े नेक की, तो बड़े नेक में हमें क्या होता है कि जो बाल वाला हिस्सा है वो खिंचाव ना दे, इसके लिए हम क्या करते हैं गले की चौड़ाई को तो कम कर देते हैं यहाँ पर, और इस वाले हिस्से को भी हम कम कर देते हैं, तभी आपकी फिटिंग प्रॉपरली आ पाएगी। इसके साथ देखिए आप 4 साइज के लिए देख सकते हैं 6.5 तक है, 5 इंच ले रहे तो 6 है, यानी कि किसी भी स्टैंडर्ड कुर्ती में आप इस चार्ट को बना करके रख लीजिए। और आपने बात नोटिस की होगी कि ये है हमारा हर बार थोड़ा थोड़ा हमारा जो घट रहा है, और ये 5 तक भी हमारा आ गया है। इसका रीजन क्या है कि जो बड़ा नेक अगर हम बना रहे हैं 10 इंच का नेक, तो उसमें आपको शोल्डर जो है कम रखना होगा, नहीं तो आपके जो कंधे हैं वो गिरने लगेंगे, यहाँ पर गिर करके आ जाएंगे, तो ऐसे में आपको उनको छोटा रखना है, जितना बड़ा नेक होगा उतना ही हमारा आर्म होल यहाँ से
पतला होता चला जाएगा, देखिए इतना इतना सा भी रह जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे सोलर हीटर आर्मोर का जो रिलेशन है वो, तो यहाँ पर हम इसको अभी के लिए क्लियर कर देते हैं क्योंकि हम इसके लिए जरूरत नहीं है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको किस फॉर्मूले से तैयार किया है। तो जो भी बॉडी का शोल्डर है आपका वो लेना है। मान लीजिए हमारा बॉडी का शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 इंच को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 7 इंच आ जाएगा, और उसमें से 0.25 को माइनस कर देना है। तो माइनस 0.25 करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 6.75, ठीक है जी। तो इस तरह से शोल्डर को निकाला गया है। अब जैसे ही एक नंबर बढ़ाई दे रहा है, देखिए आपके 3 से 4 हुआ है, तो शोल्डर हो गया है हमारा 0.25 जो है लेस हो गया है, ठीक है जी। और जैसे 4 से 5 पे है तो फिर से पॉइंट, यानी कि हर 1 इंच जैसे हम बढ़ा रहे हैं शोल्डर हमारा 0.25 से कम हो रहा है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। शोल्डर मान लीजिए 14 नाम करके 15 है, तो 15 के लिए ये चार्ट कहाँ से शुरू होगा, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा, तो ये 7.5 आ जाएगा। अब 7.5 से माइनस 2.5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.25 इंच, यानी कि 7.25 इंच। तो जहां पर हमारा ये वाला शोल्डर शुरू हो रहा था 15 इंच वाला, तो ये अगर 3 इंच का ले रहे हैं तो 0.725 से हम इसको शुरू करेंगे, फिर आगे चलते जाएंगे तो 7 इंच हो जाएगा, फिर आगे चलते जाएंगे तो 6.75 हो जाएगा, फिर 6.5 हो जाएगा, फिर 6.25 हो जाएगा, और फिर फाइनली 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हर इंच के साथ ये 0.25 इंच हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। सेम चीज आपको जो 13 इंच वाला शोल्डर है उसमें करनी है, 15 इंच में करनी है, और 14 इंच में, तीनों में ही करनी है। इस बात का खास ध्यान रखें, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको बताते हैं कि आपको जो बोट नेक है और जो कोलर नेक है उसमें कैसे लेना होता है। तो देखिए बोट नेक में हमारा जो भी बॉर्डर का शोल्डर होता है उसको 2 से भाग करेंगे और उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमारा बॉर्डर शोल्डर है 15 इंच है हमारे यहाँ पर, तो 15 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5, और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 8 इंच का। अगर आपका 15 है तो आपको 8 इंच का कम से कम लेना होगा इसके अकॉर्डिंग, और जबकि आपका नेक हमारा छोटा हुआ है। इसके साथ ही साथ जब कोलर नेक होगा तो बॉडी शोल्डर लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे। मान लीजिए हमारा बॉडी शोल्डर 15 इंच है, तो 15 जमा 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 ही हमारा, यानी कि जो बोट नेक और जो बैन नेक में लगभग लगभग सेम चलता है। कई बार ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। तो इसके साथ ही हम जो गला है उसकी चौड़ाई कितना रखें डिप नेक के लिए, बोट नेक के लिए, कोलर नेक की, तो वो भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए बोट नेक के लिए हमें जो गले की चौड़ाई रखनी होती है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ बोट नेक के लिए। तो देखिए हमारी होती है लगभग 3.5 से लेकर 4.5 तक, ठीक है जी। यानी कि शोल्डर कम है तो 3.5 तक रख लीजिए, 13 तक है, और 4.5 तक हम मैक्सिमम रख लेंगे, इसके बीच में ही हमारी वैरी करती है। इसे जो कोलर नेक होता है उसकी हम लेते हैं 2.25 से लेकर 2.5 तक रखते हैं, ठीक है जी। ये हमारी कोलर नेक की है, और जो ये वाला हमारा नेक है सिंपल वाला 4-5-6 वाला, तो इसमें हम जो जुड़ाई रखेंगे सबसे पहले इसको तेज कर देती हूँ, हो जाए। देखिए छोटे साइज तक है, देखिए जैसे 6 इंच तक है हमारा, यानी कि 3-4